चलिए भाई नमस्कार बच्चों स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में क्या हाल चाल है सभी के आशा करते हैं कि सब शानदार बढ़िया और ठीक चल रहा होगा बच्चों जैसा कि आप सभी से वादा किया था कि फरवरी के पहले दिन यानी एक फरवरी को आपके लिए एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा जिसमें आप सभी की जो परेशानी है कि हम किस जोन से फॉर्म भरें और किस जोन के लिए हम अपने अप्लाई करना है कैसे फॉर्म को भर पाएंगे ताकि कोई भी गलती ना हो और फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाए इन सभी चीज़ों को लेकर एक वीडियो बनाएंगे जिसके बाद आप सभी बच्चे अपने अपने फॉर्म को भर लीजिएगा ये वीडियो आप जरूर देखिएगा और आपने किसी भी साथी को या आपका किसी साइबर कैफे से फॉर्म भरा रहे होंगे उनको भी इस वीडियो के बारे में बताइएगा ताकि किसी भी बच्चे का फॉर्म इस वजह से रिजेक्ट ना हो पाए कि उसने फोटो सही अपलोड नहीं करी उसने डॉक्यूमेंट सही नहीं दिया उसने बहुत सारी चीजें जो गलती कर दिया उसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है जो उनकी भी जो चिंताएं हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं किसी भी वैकेंसीज में चाहे वो आपका ए की वैकेंसीज हो एस एस हो कुछ भी हो जोन जब आप 2018 की बात करेंगे और 2019 की बात करेंगे जहां पर एल और एन में बच्चों का सिलेक्शन हुआ इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कई बार जो है वो लगभग लोगों से बात करा जिन्होंने एन में सिलेक्शन लिया है या जिन्होंने एल में सिलेक्शन लिया है कि आप अपने घर से दूर रह रहे हैं तो बेसिकली क्या परेशानियां देखने को मिल रही हैं क्या गलत जोन से बच्चों का नुकसान हो सकता है या सही जोन से क्या हो सकता है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं और पूरी चीजों को डिटेल से समझते हैं कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को बच्चा 19 फरवरी बताया गया है और लगातार रेलवे इस चीज पे नोटिस भी निकाल रहा है जैसे कल जब रेलवे ने ए का कंप्लीट टाइमलाइन जारी कर दिया उसमें भी लिखा हुआ था कि भाई आप उन्नीस फरवरी तक फॉर्म को भर लीजिएगा आखिरी समय जो रस होता है उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं पहले प्रिपेयर हो जाइएगा इसके अलावा जोन कौन सा होगा और फॉर्म फिलअप हम कैसे कर पाएंगे इस चीज को समझेंगे एक बार मुझे बताइए कि आप में से ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने फॉर्म को भर दिया है जरा कमेंट बॉक्स में यस बोल दीजिएगा और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने फॉर्म को नहीं भरा है वो सभी बच्चे जरा कमेंट बॉक्स में नो बोल दीजिएगा ताकि फॉर्म भरे और नहीं भरे वाले बच्चों की संख्या का लगभग अंदाजा लग पाए अच्छा तो कुछ बच्चे हैं जैसे कि राज हैं और बाकी कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने फॉर्म को भर दिया लेकिन ज्यादातर संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म को नहीं भरा ठीक है अब इस वीडियो को देख लीजिएगा और सही तरीके से कंप्लीट फॉर्म को बच्चों भरिएगा आइए शुरुआत करते हैं और इस सारी बातों को समझते हैं देखिए सबसे पहले बच्चों के पास जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि सर मैं आरआरबी पटना से फॉर्म को भरना चाहता हूं मैं आरआरबी इलाहाबाद से भरना चाहता।, चाहता हूं कोई कहता है मैं बिलासपुर से भरना चाहता हूं इससे नहीं कोई फर्क पड़ेगा कि आप किस जोन से भरना चाह रहे हैं स्टार्टिंग में जैसे आपको अप्लाई करना है ना फॉर्म के लिए अपना अकाउंट बनाना है फॉर्म के लिए तो कहीं से भी क्लिक कर दो जैसे मान लो कि मैं रहता हूं पटना में लेकिन मैं क्या चूज किया आरआरबी इलाहाबाद और इलाहाबाद की वेबसाइट पर जब नीचे आऊंगा तो मेरे पास लिखा है कि एप्लीकेशन लिंक है अब इस एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक करेंगे तो सभी जोन से सेम आप यहां पर आएंगे पेज पर इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है तो आप किसी भी जोन से क्लिक करेंगे सेम पेज पर आएंगे अब यहां से आपको जो फॉर्म भरना है वो प्रक्रिया अपनी अपनानी पड़ेगी ठीक है अब समझिएगा कि कैसे करेगा मैं इस पेज पे आ गया बच्चों इस पेज में आने के बाद आपको यहां मिलेगा कि लास्ट डेट 19 फरवरी है और यहां पर आपके पास अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा अब बहुत ध्यान से समझिएगा जहां पर गड़बड़ होगा क्योंकि आप में से किसी भी बच्चे का अकाउंट यहां नहीं बना होगा रीजन क्योंकि लग, सभी बच्चा जो है दो पिछले छह सालों से वैकेंसी आई नहीं तो सब बच्चा नए ही तरीके से फॉर्म को भर रहा है सीधी सी बात है तो सबको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा यह अकाउंट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी यहां पर आपको आपका नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा तो उस नंबर और पासवर्ड से आप बाद में इसमें लॉग इन कर सकते हैं अपनी किसी भी अन्य जानकारी को भरने के लिए तो आपके लिए वहां पर इजी हो जाएगा जैसे क्लिक कहेंगे कहेगा भाई सारी चीजें पढ़ लीजिए कि क्या क्या चीजें हैं आपके पास इतना रुपए रिफंड आने वाला है आपको इतनी चीजें भरनी होगी यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि फोटो वगैरह सब कुछ किसके कितने के भी में होना चाहिए सर्टिफिकेट बच्चों का कैसा पी फॉर्मेट में होना चाहिए और बाकी सभी चीजें आपके पास यहां पर लिखी हुई है इसको एक नजर मानने के बाद इस पर क्लिक करके आप प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा अब ये आपका फॉर्म का पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस खुल चुका है ठीक है एक नजर में आपको सारी चीजें दिखाता हूं मैंने फॉर्म को भरा भी है तो अभी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अभी यहां पर चाहिए होंगे ठीक है थोड़ा सा बच्चों के लिए सर इसको क्लियर कर दीजिए देखिए अब आपसे कहता है कि भाई आपने कहीं मतलब अभी कहीं से डिवार मतलब होता है वंचित है क्या ऐसा तो नहीं आपको किसी आरआरबी या किसी ने आपको निकाला है या कुछ भी है तो आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा यहां पर और सभी चीजें कि आप नेशनलिटी आपकी इंडियन है आप अपना जो है वो नाम डाल दीजिएगा मोबाइल नंबर जेंडर नेम ये सब डाल के यहां पर आधार कार्ड आपसे मांगा गया है है ना दिखा दीजिए यहां पर आधार कार्ड आपसे मांगा गया मान लो आपके पास आधार कार्ड है तो अपना आधार कार्ड आप डाल दीजिएगा और उसको वेरीफाई कर दीजिएगा लेकिन मान लो ऐसे कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनकी संख्या लगभग ना के बराबर होगी लेकिन अगर कुछ बच्चे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहां पर लिखा भी है कि आ डू नॉट हैव आधार कार्ड तो अगर आधार कार्ड नहीं होता उसके लिए फिर ये अलग प्रोसेस हटा के कोई ना कोई आपको प्रूफ देना पड़ जाएगा अगर आधार कार्ड है तब तो बेहतर मैं ये मान के के चलता हूं कि 98 बच्चों के पास आधार कार्ड होगा जैसे राजगीर कह रहे सर आधार कार्ड नहीं दिख रहा आधार कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आप दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना उसका नंबर बाकी सब अपलोड करना पड़ेगा रेलवे ने एक चीज करा है कि जैसे होता क्या था ना कि ज्यादातर पहले रेलवे इस चीज को नहीं करता था कि वो नॉर्मली जब फॉर्म भरते थे तो कहीं गलती हो गई कुछ भी हो गई तो मोबाइल नंबर मेल आईडी तो मांगता था लेकिन उसको वेरीफाई नहीं करता था इससे क्या होता था कि हम गलत नंबर दे दिए तो हम परेशान है यार मेरा पैसा रिटर्न नहीं आया अब हम कैसे क्या कर पाएंगे और हम उस चक्कर में लगातार परेशान रहते हैं तो रेलवे ने कहा कि आपकी मेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर को मैं वेरीफाई कर लूंगा ताकि आपके सेम उसी पर आ जाएगा तो दिक्कत होगी नहीं तो यहां इन्होंने मेल आई डाल दिया कि मेल आई डालो उस पर ओ टीपी जनरेट करके ओटीपी भर दीजिएगा वेरीफाई हो जाएगा फिर मोबाइल नंबर आपको डालना है उस पर ओटीपी जनरेट कर लीजिएगा ओ हो जाएगा और यहां से एक पासवर्ड बना लीजिएगा सुंदर सा अपने किसी भी जो आपके सबसे खास प्रिय होंगे उनके नाम से बना लीजिएगा और कैप्चा कोड करने के बाद यहां पर आपको जो है वो प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा अब मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा देता हूं जो हम लोगों ने फॉर्म को भरा है उसका मैं पूरा प्रोसेस दिखा देता हूं जैसे आपको सारी चीजें क्लियर हो पाए ठीक है हमने यहां पर कैप्चा डाल दिया पर्सनल डिटेल्स वगैरह हमने सारी चीजें वहां पर कैप्चा वगैरह डाल के प्रिव्यू करके वहां खत्म कर दिया हमारा एक पासवर्ड बन जाएगा अब आपके पास जो भी आप पासवर्ड यहां आपने सब कुछ आपने यहां पर सारी चीजें कर ली आधार कार्ड वेरीफाई कर दिया ओटीपी कर दिया अब आप जैसे करोगे ना तो यहां पर आपको दिखा देगा प्रिव्यू पे कि भाई देखो फुल नेम आपका क्या है आपका बाकी सभी चीजें क्या है वो सब कुछ दिखा दिया एक बार रीचेक कर लो एबअप डिटेल्स उसको रीचेक करने के बाद फिर आपका यहां पर सब कुछ डिटेल के साथ आपने रीचेक कर दिया और यहां पर आपका हो जाएगा प्रोसीड पे मतलब अब आपका यहां पर अकाउंट बन चुका है इसके बाद उसी अकाउंट जो आपका बना है उसी अकाउंट और पासवर्ड से अब अकाउंट में क्या हो गया आपको मोबाइल नंबर जो आपने बनाया दिया था ना और जो आपने पासवर्ड बनाया है उसी मोबाइल नंबर और पासवर्ड से अब आप यहां पर लॉगिन कर लेना अपने आप लॉगिन पे आ जाएगा जैसे लॉग इन करोगे तो बच्चों अब इसके बाद यहां पर कंप्लीट फॉर्म प्रोसेस खुल चुका है जहां पर आपको इसको ऑनलाइन अप्लीकेशन पर क्लिक करना रहेगा और क्लिक करने के बाद अब आपका कंप्लीट जो है वो फॉर्म प्रोसेस यहां से खुल जाएगा जिसको आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा अब यहां पर थोड़ी सी बात देखिएगा अब पूरा फॉर्म जैसे अकाउंट बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं अकाउंट तो आप बना लोगे है ना एक बार जरा दिखाते हैं बच्चों को कि आपसे आरआरबी कहां पे मांगेगा जरा देखिए यहां पर आपसे आर आरबी मांग रहा है ये कि सेलेक्ट द फॉर यू विश टू अप्लाई अप्लाई आप जिस RRB से करना चाहते हैं उसको जरा सेलेक्ट कर लीजिए ठीक है ये कब मांगा जब मेरा अकाउंट बन गया तब मांगा पहले नहीं जब मेरा पासवर्ड बन गया मेरा अकाउंट बन गया तब मुझसे मांगा कि भैया जिस आर आरबी से फॉर्म भरना चाहते हो ना वो सेलेक्ट कर लो अब जब मैं उस पर क्लिक करूंगा कि जो मैं आर आरबी से फॉर्म भरना चाहता हूं तो आपको देखो यहां पर दिखेगा जैसे यहां पर आप देख पाओ कि सारे आर जितने भी हैं वो सब मुझे दिख रहा है लेकिन किसी किसी आर में आप देखोगे तो वहां पर दो तीन जगहों का लेके चल रहा है जैसे मुंबई है तो वहां सीआर आ गया ये आ गया इस तरीके से चल रहा है तो वहां पर भी आपके यहां समाधान दिया हुआ एज एग्जाम्पल इस बच्चे ने बिहार से अप्लाई करा है तो बिहार में भी दो चीजें हैं एक तो डब्ल्यू आर है एक तो डब्ल्यू सी आर है वहां पर भी कहेगा कि आपको किस वाले से अप्लाई करना है आप वहां से उस वाले से अप्लाई कर दो किसी भी एक से आप अप्लाई कर दोगे अब बिलासपुर में आपने जहां से अप्लाई करा उसको वेरीफाई करोगे तो अब यहां से पूरा फॉर्म आपको देखने को मिलेगा अब मुझे बताओ आप किस जोन से फॉर्म भरना चाहते हो एक बार जरा बताओ फिर मैं आपको सजेशन देता हूं कि मैं एक्चुअली में किस जोन से फॉर्म अप्लाई करना ज्यादा ठीक होगा आइए पहले आपके देख लेते हैं फिर मैं आपको सजेशन देता हूं ज्यादातर बच्चा हाँ, बिलासपुर बिलासपुर ठीक है और मुंबई से बिलासपुर ठीक है बिलासपुर सिकंदराबाद मतलब अगर मैं संख्या में देख पाऊंगा तो जैसा मैंने सोचा था वीडियो बनाने से पहले कि ज्यादातर बच्चा बिलासपुर से फॉर्म भरेगा वो मुझे दिख रहा है और इसका कारण क्या है इसका कारण है बिलासपुर से सबसे ज्यादा भर्तियां आना ठीक है अब आओ मेरी बात समझो कि क्या है मामला अब मैंने जो है वो अपना अकाउंट बना लिया ठीक है अब जब मैंने अपना अकाउंट बना लिया अब मुझसे कहेगा कि आप किस जोन से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा यह देखना पड़ेगा कि किस जोन में कितनी भर्तियां हैं क्योंकि मैं सिर्फ किसी एक जोन से अप्लाई कर पाऊंगा अब जब मैं भर्तियों की तरफ आऊंगा तो मैं यह देखूंगा कि भाई सबसे ज्यादा भर्ती इस बार बिलासपुर में आई है बिलासपुर में दो रीजन लिया गया एक है सेंट्रल और एक है एस और इसमें अगर मैं देखूंगा तो कुल मिला के ग्यारह और 124 यानी मैं मान सकता हूं तो लगभग साढ़े तेरह सौ भर्तियां बिलासपुर से आई हैं ये नंबर एक पे है जहां पर इतनी भर्तियां आई हैं मैं कहूंगा सर दूसरे पे कहां सबसे ज्यादा भर्ती है तो दूसरे पे सबसे ज्यादा भर्ती है सिकंदराबाद में जहां भी दो रीजन लेकर कुल मिला के यहां पर दो और पांच यानी कि पांच और दो सौ भर्तियां लगभग आई हैं साढ़े मान सकते हैं किस पे दूसरे पे सिकंदराबाद है मैं कहूंगा सर तीसरे पे कौन है तो तीसरे पे है मुंबई जहां तीन रीजन है और तीनों मिला के लगभग लगभग साढ़े पांच सौ के आसपास भर्तियां हैं और चौथे पे मैं कहूंगा तो चौथे पे बच्चा आपके पास जो है पहला दूसरा तीसरा हाँ चौथे पे आपके पास जो है वह बेंगलौर आ रहा है बेंगलौर में अगर देखूंगा तो चार सौ तिहत्तर भर्तियां हैं हुआ क्या था ना कि जब पिछली बार का आप एल पी दो हजार अट्ठारह कट ऑफ में आगे बनाऊंगा मैं इस वजह से नहीं बना रहा क्योंकि लगभग सभी जोन जो है वो डेंजर है मैं ये कहूं कि सबसे आसान सा जोन कौन है तो वो कुछ नहीं कह सकते सबसे कठिन सा जोन है तो भी कुछ नहीं कह सकते क्यों क्योंकि ऐसा कोई जोन है नहीं जहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा हो और वैकेंसीज भी ज्यादा हो तो मैं कह सकता हूं यार चलो फिर भी वहां बच्चा मैक्सिमम टिक जाएगा तो इधर नहीं आएगा जैसे दो हजार अट्ठारह में इलाहाबाद से लगभग चार हजार भर्ती आई थी और सभी बच्चों ने आर इलाहाबाद आर इलाहाबाद सब भर दिया था और पता चला कि भाई इलाहाबाद की कट ऑफ पचहत्तर में से साठ नंबर चली गई और जो तीसरा नंबर था वहां पर वहां की कट ऑफ सिर्फ चालीस नंबर गई थी तो इस वजह से अगर मैं सोचूंगा कि यार मैं किसी एक जोन जहां पर वैकेंसी ज्यादा है वहां अप्लाई कर दूंगा तो कट ऑफ सीधी सी बात है बच्चों ज्यादा जाएगी इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा यह परखा है और यह हर बार होगा यहां पर अब आप कौन से जोन को चुनोगे तो ये देखो ये पूरा आरआरबी है जितने भी आपके पास आरआरबी हैं ये भारत के नक्शे पर आपकी नोटिफिकेशन के पहले पेज पर दिया गया अगर आप जो है यहां पर क्योंकि ज्यादातर बच्चा या तो यूपी का होगा मेरे पास या तो बिहार का होगा हाँ या ना आप या तो उत्तर प्रदेश के होंगे या तो बिहार के होंगे या तो आसपास के जिलों के होंगे तो इसके आसपास देखोगे तो आपको कई सारे आरआरबी जो है वो देखने को मिल जाएंगे इससे देखो जैसे बिलासपुर यहीं पर है रांची यहीं पर है भोपाल यहीं पर है अजमेर यहीं पर है पटना यहीं पर है गोरखपुर यहीं पर है तो आप इन सब जगहों पर फॉर्म में किसी भी को चुन सकते हैं लेकिन अगर हेडक थोड़ा कम चाहते हैं कि भाई मुझे बहुत हेडक ना हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये मेरा सजेशन है बाकी आपकी इच्छा है

सिकंदराबाद दूसरे पे है इसलिए मत चूज करना या तो मुंबई चूज कर लेना आपके लिए इजी हो जाएगा या तो बेंगलोर चूज कर लेना आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आपका किसी दूसरे जोन में जैसे मुंबई हो आप रहने वाले पटना के हो मुंबई में जाके जॉब करोगे तो कोई खास दिक्कत नहीं आएगी दिक्कत होगी रहने खाने का वापस घर आने का जैसे आपको अगर कभी छुट्टी लेकर आना है तो आपको लगेगा यार मैं चार पांच दिन छुट्टी लूंगा तभी तो मैं कर पाऊंगा तभी चीजें मैं क्लियर कर पाऊंगा अदरवाइज में आना जाना मुश्किल हो जाएगा तो अगर आप थोड़ा कम कंपटीशन चाहते हैं तो या तो क्या करना भाई मुंबई से अप्लाई कर लेना या तो बैंगलोर से कर देना मतलब पहला बिलासपुर और सिकंदराबाद को थोड़ा सा किनारे कर देना क्योंकि सबसे ज्यादा जो फॉर्म गिरेंगे वो या तो बिलासपुर से गिरेंगे या तो सिकंदराबाद से गिरेंगे बाकी अगर रिस्क लेना चाहते हो कि नहीं मुझे बिलासपुर से ही भरना है चाहे मुझे कुछ भी हो जाए तो भर सकते हो रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं मैं सिकंदराबाद से ही भरूंगा तो भर सकते हैं अब कैसे चुनेंगे मैंने बता दिया कि जो आपकी यहां पर फॉर्म है जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है इसमें सारे जोन कहां कहां पर है पूरा दिया गया है जैसे आप इसके आसपास देख लेना किस में सबसे ज्यादा भर्ती है है तो तो उस हिसाब से वहां पर अप्लाई कर देना ठीक समझ पा रहे इस बात को तो कौन सा जोन चूज करना है इस पर आपकी भी छूट हो गई और मैंने भी बता दिया कि मेरे हिसाब से बच्चा अगर मैं फॉर्म को भरता तो मैं इस हिसाब से फॉर्म को भरता कि पहला दूसरा छोड़ देता और मैं वहां पर आराम से भर देता अगला फॉर्म ठीक है चलो अब समझते हैं आगे चीजों को अब आपने जोन चूज कर लिया अब आपसे कहेगा जोन के बाद चार चीजें आपको यहां पर भरनी है चार चीजें कौन कौन है चार चीजें हैं आपके पास सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स यानी आपको नाम पिताजी का नाम माता जी का नाम दुनिया भर की सारी पर्सनल डिटेल्स सब कुछ आपको फिर अदर डिटेल्स जिसमें आपको आपकी बाकी सभी चीजें पूछी जाएंगे फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिर प्रोफाइल पिक्चर मान लो कि आपने गलती से जोन जो है कुछ दूसरा चूज कर लिया अचानक से पता चला अरे यार नहीं, नहीं एक काम करते हैं बिलासपुर नहीं लेते सत्यम सर सही बोल रहे थे मुंबई या फिर हम मैं वो ले, ले लेता हूं क्या बोलता है बैंगलोर तो आखिरी में भी आपको एक बार मौका देगा कि भाई लो तुम चाहो तो जोन अपना परिवर्तन करना चाहो तो कर लो फॉर्म के अंतिम में भी सबमिट करने से थोड़ा देर पहले अब मैंने यहां पर पर्सनल डिटेल्स इसमें आपको कुछ बताना नहीं है और आपको यहां पर सारी पर्सनल डिटेल्स दी गई है यहां पर आपसे कहेगा कि चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन अपने एग्जामिनेशन की लैंग्वेज चूज करिए तो इंग्लिश तो बाई डिफॉल्ट सब में आएगा ये मैं सोचना मैं अंग्रेजी चूज कर लेता हूं कहीं ऐसा ना हो कि मैंने हिंदी चूज कर लिया तो मैं हिंदी में दिखूंगा नहीं इंग्लिश तो बाय डिफॉल्ट सब में आएगा दूसरा लैंग्वेज आपको क्या चाहिए हिंदी चाहिए जैसे ज्यादातर बच्चा यहां हिंदी वासी है कन्नड़ चाहिए कोई बच्चा कन्नड़ वाला होगा तो कन्नड़ भरेगा मलयालम चाहिए मणिपुरी चाहिए मराठा चाहिए जो भी चाहिए वो इंग्लिश बाई डिफॉल्ट आता ही आता उसके लिए मत परेशान होना कि मैं इंग्लिश चूज करूंगा सॉरी इंग्लिश नहीं दिख रहा वो बाई डिफॉल्ट आएगा ही आएगा ठीक है लाला चलो इसके बाद सारी डिटेल्स आपको भरनी रहेगी और सब डिटेल्स जब आप भर देंगे तो आपको देखो यहां पर अब मांगेगा आपकी कम्युनिटी डिटेल्स ये जरा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जैसे कम्युनिटी अगर आप ओबीसी होंगे तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट नंबर कोई डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करना है ऐसा नहीं है कि आप जो ओबीसी के डॉक्यूमेंट बनाए हो वो अपलोड करना है नहीं वो अपलोड कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनना है लेकिन अपने हाई स्कूल का आपको यहां पर नंबर रोल नंबर सब कुछ अपलोड होगा और आपके जो भी सर्टिफिकेट अगर आप कोई चाहते कि मुझे छूट मिले मेरी कैटेगरी का तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा एक बच्चा कह रहा है सर सबसे बेस्ट जोन कौन सा रहेगा मेरे भाई वैकेंसीज के हिसाब से देखें ना तो कोई बेस्ट नहीं बचा कोई अच्छा नहीं बच्चा ऐसा नहीं कह सकते ये सबसे इजी जोन है ये सबसे खतरनाक जोन है कोई नहीं है सब डेंजर इस बार है अभी आपके पास ठीक है फिर एड्रेस आप अप्लाई कर देना एड्रेस के बाद फिर आपको यहां पर सारी चीजें करना है सब कुछ चीजें भरी लोगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर कहेगा क्या आपके भाई आ, कुछ भी आप जॉब कर रहे हैं या कुछ भी ये है कुछ भी चीजें हैं सब कुछ इंडियन रेलवे में आपने कभी जॉब करा नहीं करा अब यहां इसके बाद आपसे बैंक डिटेल्स मांगेगा जैसे आपने जब फॉर्म भर दिया और पांच सौ रुपया दे दिया सरकार को और आपको पता है कि वो हाँ से फिर मेरे पास जब मैंने सीबीटी वन देंगे तो चार सौ रुपया वापस भी आएगा तो किस अकाउंट में आना है वो भर देना तो यहां पर जो है किसी ना किसी का भर देना और ध्यान रखना जो साइबर कैफे से फॉर्म भरवाना यहां अपना अकाउंट देना नहीं तो साइबर कैफे वाला बाद में अमीर हो जाएगा फिर आपको परेशानी होगा कि भाई वो इतना पैसे लेके दूसरा दुकान कैसे खोल लिया है ना तो आप इस चीज का ध्यान देना कि यहां पर अपना अकाउंट भरवाना ताकि जो अमाउंट वापस आएगा सीबीटी वन देने के बाद वो यहां पर आपको मिलेगा ठीक है इसके बाद आपसे कहेगा कि भाई करंट डिपार्टमेंट अगर आप जॉब कहीं कर रहे हैं तो बता दीजिए नहीं कर रहे हैं तो भी ठीक है और यहां पर आपसे कहेगा कि आपने एक्ट अप्रेंटिस किया है या नहीं किया है अगर करे होंगे तो यस कर दीजिएगा जहां से ट्रेनिंग का डेट सर्टिफिकेट डेट और ड्यूरेशन कितने वाला था कौन सा ट्रेड था वो सब पूछेगा लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं मांगा उसने समझ पा रहे हो मेरी बात को तो अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट के नंबर चाहिए देखो यहां भी लिखा क्या है कि भाई आपने करा है तो उसका ड्रेनिंग डेट सर्टिफिकेट डेट ये सब चीजें डाल दो कि कितने साल का था वो सब डाल दो यहां आपने बैंक वगैरह डाल दिया अप्रेंटिस आपने करा है तो वो सब कुछ डालने के बाद यहां पर सारी चीजें करने के बाद आपको कंफर्म कर देना है अब यहां पर आपसे आ जाएगा एजुकेशनल डिटेल्स मांगने ठीक है पक्का चलो अब एजुकेशनल में देख लो क्योंकि हाई स्कूल तो जरूरी है हाई स्कूल आपने कर दिया हाई स्कूल का बोर्ड आपका कौन सा था कब आपने पास किया था और रोल नंबर भरना है यहां पर डॉक्यूमेंट नहीं भरना ठीक है, है? डॉक्यूमेंट मतलब आपको अपलोड नहीं करना है इसका एंड कॉपी सिर्फ उसकी रोल नंबर और आपको पता है कि भाई हाई स्कूल के साथ अब आपने दूसरा और भी क्या चीज करा है एज एग्जाम्पल आपने आई, आई करा है या तीन साल का डिप्लोमा करा है या आपने इंजीनियरिंग करा हुआ है या आपने एनएसी करा है जो भी कर रहा आपने वो करना है और उसमें ट्रेड कौन सा था वो करना है इसके बाद आपको पासिंग कब है वो करना है और इंस्टीट्यूट क्या है वो करना है लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है समझ पाए कि नहीं समझ पाए तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला मामला अभी नहीं है तो आपके लिए अभी थोड़ा आसान है कि अगर मान लो डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिल रहा है या आपको पता नहीं कि डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड जैसे कई सारे बच्चे पीडीएफ नहीं बना पाते तो घर पे इस फॉर्म को भर सकते हैं क्यों क्योंकि सब नंबर देना डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करना ठीक है ये सब करने के बाद फिर आपसे जब सब कुछ हो जाएगा तो भाई अब आप आपको फोटो अपलोड करना और फोटो भी व्हाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए पीछे पीछे बढ़िया डीजे वाला फोटो मत लगाइएगा नॉर्मल व्हाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए जैसे मान लीजिए इस बालक ने फोटो लगाई है व्हाइट बैकग्राउंड लेके कंप्लीट सारी फोटो लगाई और सिग्नेचर दे दिया अब जो है यहीं पर आपका जो सारी जो कंप्लीट है वो प्रोसेस आपका खत्म हो जाएगा फिर आखिरी में एक बार और कहेगा कि भैया असिस्टेंट लोको पायलट आपने डब्ल्यू से यहां पर भर दिया है और सलेक्ट एग्जाम ट्रेड फॉर पार्ट बी आप सीबीटी वन में कौन सा ट्रेड लेना चाहते हैं जैसे मैंने जिस बच्चे खोला थोड़ा बच्चों को सर क्लियर के दिखा दीजिएगा जब आप फोटो वगैरह अपलोड कर लोगे ना तो अब आपसे यह कहेगा कि आप कौन सा ट्रेड लेना चाहते हैं सीबीटी टू में तो मैकेनिकल तो वाले बच्चों के लिए इतने ट्रेड दिख गए कि सीबीटी टू में ये 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 ट्रेड लेना चाहते हैं अब साइन के लिए व्हाइट बैकग्राउंड पे साइन ब्लैक पेन से कर दीजिएगा वो ब्लैक पेन वाला कभी नहीं हटता है ना ब्लू पेन वाला फिर भी किसी किसी एग्जाम में मना होता है लेकिन ब्लैक पेन वाला कहीं नहीं मना होता और जैसे मैंने अब आपसे आखिरी में कहा था ना कि आखिरी में आपसे फिर से आर के लिए मांगेगा कि भाई आप चाहो तो अपना जो है वो जोन चेंज कर सकते हो आपसे आखिरी बार मांगेगा अभी देखो यहां पर कहीं ना कहीं तो मांगेगा ही कि आप अंतिम समय में चाहो सब कुछ इन्होंने कर दिया इन्होंने प्रेफरेंस वगैरह सब कुछ दे दिया कि हाँ ये ये चीजें हैं सारे फॉर्म को अप्लाई कर दिया इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा आपके लिए तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा ठीक है पेमेंट डिटेल्स देखो पेमेंट वगैरह इन्होंने यहां पर कर दिया अच्छा ठीक है पेमेंट भी कर दिया चलो भाई ठीक है अब यहां पर इनका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट होके आ चुका है रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ चुका है यहां पर ठीक है ठीक है सारी चीजें क्लियर हो गई अब यहां बीच में मैं आपको दिखाता हूं एक जगह वो फिर से कहेगा कि भाई अगर कोई परेशानी हो गई हो आपने अगर गलत जोन चूज कर लिया हो तो एक बार उसको देख लो आप फिर से चेंज कर सकते हो फिर आपसे एग्जामिनेशन सेंटर भी मांगेगा कि भाई आप जो है वो कहां कहां प्लेस एग्जामिनेशन सेंटर का देना चाह रहे हैं वो प्लेस मतलब लखनऊ डाल दीजिए या जो भी हो एग्जामिनेशन सेंटर नहीं मांगेगा प्लेस आपसे मांगे कि आप कहां के रहने वाले सेंटर नहीं मांगता यहां भाई रेलवे में ठीक है चलो ये हो गया ठीक है हाँ, यहां देखो गया फॉर्म भरने के मतलब आपके फोटो अपलोड करने के बाद आपको दिखेगा क्लिक हियर टू चेंज आरआरबी जो ठीक है यह आपको दिख जाएगा तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा कि आप परेशानी नहीं होगी कि अगर आपने पहली बार कुछ गलत चूज कर लिया होगा तो आपको मुश्किल नहीं आने वाला है ठीक है तो सब कुछ आपने यहां पर कर लिया है ईटीआई अपेरिंग वाले बच्चे फॉर्म को नहीं भर सकते जो एक कमेंट आ रहा है क्योंकि आपको यहां पर सर्टिफिकेट नंबर डालना है और जनवरी चल रहा है तो आपको अभी सर्टिफिकेट नंबर बाकी सब चीजें नहीं मिलेंगे इसलिए नहीं कर सकते सर पेमेंट के बाद आरआरबी पेमेंट के बाद नहीं करेंगे पेमेंट से पहले जहां पर आपने फोटो अपलोड किया ना वहां पर आपको एक और मौका देगा कि चेंज कर लो आरआरबी जोन अगर चाहो तो नहीं तो फिर कोई आ सकता नहीं है सीधे सब कुछ लेके चले इसके बाद फॉर्म भरे लेना देखो पूरा फॉर्म भराने के बाद आपका खुल जाएगा कि भैया सारे पेमेंट वोमेंट आपने कर दिया अब इनका एक कंप्लीट फॉर्म आ गया है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल प्रिंट निकाल के मस्त जो है अब पढ़ाई पे आपको लग जाना रहेगा ठीक है समझ में आ गया सारी बातें अब एक बार फॉर्म को भरिएगा फिर आपको अपने आप और भी कई सारी चीजें समझ में आ जाएगा अब मैं थोड़े से कमेंट ले लेता हूं फिर आगे बातें करता हूं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ठीक है हाँ सर सेंट्रल का हां देखो जो भी सर्टिफिकेट चाहिए वो सीधे सेंट्रल का चाहिए भर्ती यूपी की या अदर राज्य की तो है नहीं लेकिन सेंट्रल में डायरेक्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा आपने सोचा मैं ओबीसी चलूंगा सेंट्रल से बना लूंगा तो नहीं बनता सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट बनता है वो आपके स्टेट के हिसाब से बनता है पहले स्टेट में बनवाओगे फिर वो दिखाना पड़ेगा तो वो सेंट्रल का बनेगा ठीक है तो सेंट्रल का डायरेक्ट नहीं बनता वो स्टेट के बाद बनता है सारे सर्टिफिकेट सेंट्रल के चाहिए इस बात को ध्यान रखिएगा अगर ओबीसी है वो सर्टिफिकेट सेंट्रल का एस सी है वो सर्टिफिकेट सेंट्रल का सब कुछ और ओबीसी वाले बच्चे मैक्सिमम तीन साल से पुराना सर्टिफिकेट अगर होगा तो बनवा लीजिएगा एससी एस टी वाले बच्चे का तो हमेशा के लिए होता है क्योंकि उनके कैटेगरी में दिक्कत नहीं आती है बाकी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चा इस फाइनेंशियल ईयर का बनवाइएगा यानी आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चा वो इसी 2023 के आखिरी में या 24 में बना होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर यही होना चाहिए ठीक है हां डिप्लोमा हो जाएगा ठीक है तो ये फॉर्म भरने का कंप्लीट डिटेल्स आपको बता दिया अब आप मैक्सिमम बच्चे जो भी हैं वो फॉर्म को भर दीजिएगा फॉर्म को भरने के बाद अब अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से आप लग जाइए जोन कौन सा चूज करना है इसके लिए वैकेंसी जहां ज्यादा है मैंने बता दिया है लेकिन तीसरा चौथा को चूज करिएगा मेरे हिसाब से क्योंकि वहां पर बच्चों की संख्या कम होती है लेकिन मैं नहीं बोल सकता क्योंकि ज्यादातर बच्चा क्योंकि इस वीडियो को लाखों बच्चा देखेगा और वही चीज करेगा जो मैं बोल रहा हूं तो इस और सारा बच्चा रुका भी इसलिए था कि पहले के वीडियो देखनी है। अब मैंने कह क्लासेस कि बिलासपुर से नहीं ऑफ तो सी तो ज्यादा है, है तो ठीक है फोटो कैसा रहेगा नॉर्मल फोटो व्हाइट बैकग्राउंड पे अपलोड करिएगा केबी वगैरह सब उसमें आगे लिखा हुआ उसके लिए आप परेशान मत होइएगा ठीक है अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कर देना चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर देना और अभी सुबह ग्यारह बजे मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें डॉक्यूमेंट वाली सभी समस्या मैं दूर कर दूंगा किस फॉर्म भरने को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट है तो कब के होना चाहिए और अगर आप सेंट्रल का डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनवाना चाहते हैं जो भी डॉक्यूमेंट संबंधी प्रक्रिया रहेगी मैं ग्यारह बजे अभी आऊंगा लाइव तो मैं आपको वहां पर सारी चीजें कर दूंगा ठीक है बाकी रेलवे की जो बुक्स है वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगी इसके अलावा आपको रात में आज आठ पैंतालीस पे एक बड़ा अनाउंसमेंट लेकर आ रहा है जो कि करना बहुत जरूरी है और वो अनाउंसमेंट में आप सभी की उपस्थिति बिल्कुल आवश्यक है धन्यवाद भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया लव यू ऑल अगर मान लीजिए कुछ भी आपके पास रह गया है जो मैंने नहीं बताया है तो वो वीडियो के नीचे कमेंट कर देगा जिससे मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा धन्यवाद